प्रातःकाल की इस अमृत वेला में सभी योग प्रेमियों का स्वागत करते हुए आइए प्रार्थना पूर्ण हो और योग के जगत में प्रवेश करें। बेस्ट सजेस्टेड आसन प्रार्थना के लिए वज्रासन है, परंतु आप जिस आसन में कंफर्टेबल हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय चक्र के पास रखें। वाणी को शुद्ध करें, चित्त को एकाग्र करें, तीन बार ओम का उच्चारण करें और फिर एक साथ गुरु ब्रह्मा इस प्रार्थना को दोहराएं। अपने हाथ में बंधे हुए इस रक्षा सूत्र को देखते हुए, जिस शक्ति को मानते हो, जिस गुरु को मानते हो, उसका स्मरण करते हुए आइए प्रार्थना करें। एक लंबी गहरी सांस भीतर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अष्टांग योग में प्रवेश करते हुए सबसे पहले हम शरीर के संचालन से शुरू करें। शरीर संचालन में गर्दन संचालन सबसे पहले किया जाता है, तो अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। 7,000 करोड़ पेशियां हमारे शरीर में हैं, और जब मृत पेशियां शरीर से बाहर ना निकाली जाए तो वो शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो जाती है। कुछ पेशियों में एनर्जी का सप्लाई नहीं होने से, वहाँ की ऊर्जा में कमी होने से उनके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए आइए इस संचालन के द्वारा हम अपने इन सभी पेशियों को फिर से जागृत करें। तो शुरुआत करते हैं गर्दन संचालन से। बिल्कुल सीधे खड़े हों, पैरों में थोड़ा सा अंतर हो, दोनों हाथ शरीर के साइड में है। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पूरा पीछे ले जाएं। मस्तिष्क का पीछे का भाग हमारी पीठ पर टच हो जाए। गले के स्नायु, गले की मांसपेशियां पूरी तरह से उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। सांस छोड़ते हुए गर्दन सीधी, फिर सांस को लेते हुए अपनी ठुड्डी, अपनी चिन को नीचे कंठकूप में लगाएं और तीन बार इस क्रिया को दोहराएं। गर्दन के और गले के सारी मांसपेशियों को और सारे स्नायुओं को लचीलापन मिलेगा। ऑलरेडी जिनको स्पॉन्डिलिसिस है, जो इतना ऊपर और नीचे ना कर सके, वो इस क्रिया को ना करें। वो अपनी छुट्टी को दाएं और बाएं इस तरह से तीन बार मैक्सिमम एक्सपेंशन, मैक्सिमम मुखाकाश की तरफ, दिन भर जिनको कंप्यूटर के सामने काम करना होता है या फिर बाइक चलाना पड़ता है, उनके लिए तो विशेष लाभकारी है। सांस लेते हुए पूरा राइट साइड में ले जाएं,
स्पॉन्डिलिसिस जिनको है, गर्दन का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये पोजीशन ज़्यादा उपयोगी है। पूरा दाएं, पूरा बाएं, गले के रोगों के लिए विशेषकर थायराइड, बोलते समय हकलाना, तुतलाना, उनके लिए विशेष फायदेमंद है। जो स्पीच थेरेपी को साध रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। 3 बार दाएं और 3 बार बाएं। दाहिना कान दाहिने कंधे की तरफ मोड़े, कान और कंधा एक दूसरे को टच हो। सांस का आना और सांस का जाना, इसके प्रति सजग रहे। जब हम दाहिनी तरफ अपनी गर्दन को झुकाते हैं तो बाईं तरफ गर्दन में इस तरफ पूरा स्ट्रेच आता है। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क का जुड़ना भी इस गर्दन से जुड़ा हुआ है। सांस को छोड़ते हुए इस चिन्ह को पूरा नीचे, हम एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड में ले जाएं, लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे पर टच, पूरी गर्दन पीछे ले जाते हुए, सांस को लेते हुए पूरा पीछे से बायां कान बाएं कंधे को टच, सांस छोड़ते हुए आगे। एक बार क्लॉकवाइज किया है तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी करें। कंधों का दर्द, दांत का दर्द, ये सब की मूल हमारे गर्दन में है और इसलिए इसको करने से उनमें भी काफ़ी फायदा होता है। आप चाहे 2 बार करें, चाहे 3 बार करें। गर्दन का संचालन करने के बाद आइए अब हम करते हैं स्कंध संचालन। पूरा दिन भर शरीर का उपयोग काम करने के लिए करते हैं, परंतु उसमें विशेषकर हाथ और पैरों का ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए इनमें ब्लड सर्कुलेशन सही होना बहुत आवश्यक है। दोनों हाथ अपने शरीर के साइड में इस तरह से फैला लें कि हथेली आकाश की तरफ हो। दोनों हाथ की उंगलियां अपने कंधों पर रखें और इस तरह से संचालन करें कि कोहनियों से एक बहुत बड़ा शून्य, सांस लेते हुए कोहनियाँ पास में हों, ऊपर जाएं और सांस को छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। डू इट वेरी जेंटली, वेरी ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। ब्रीद इन, कोहनियाँ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। योगिक नियम है 3 बार, यदि आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है तो 3 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करना है। फ्रोजन शोल्डर है, कंधों में दर्द है या कंधों में कोई तनाव पैदा हो जाए तो भी ये विशेष उपयोगी है। हाथ की उंगलियों से लेकर कलाई कोहनी, इन सभी के लिए विशेष उपयोगी है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से। साइटिका का दर्द जिनको है उनके लिए भी विशेष उपयोगी है। तो 3 बार आगे और 3 बार पीछे, कंधों को रिलैक्स करें, दोनों हाथ एकदम सीधा नीचे, पूरे कंधे ऊपर ले जाएं और कंधों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी 3 बार दोहराएं। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आप चाहें तो इसे 5 बार और 7 बार भी रिपीट कर सकते हैं। इन जनरल हर क्रिया को हम 3 बार करेंगे। स्कंध संचालन और स्कंध संचालन के बाद अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम शुरुआत करेंगे पाद संचालन से। पाद संचालन के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ इस तरह से फैला लें। कमर से लेकर कटी प्रदेश, घुटने, पाँवों में, पिंडलियों में, एंकल्स में, जिन लोगों को दर्द है साइटिका, उन सबके लिए विशेष उपयोगी। दोनों हाथ अपने साइड में इस तरह से पीछे रखें। पाँव की उंगलियों और अंगूठों को मैक्सिमम प्रेशर, पुश इट एंड एक्सहेल, पुल इट एंड इनहेल। पूरी तरह से पुश करें, पुल करें, पुश करें और पुल करें। मैक्सिमम पुश करें पूरे पांव के पंजे को, आपके पूरे हिप जॉइंट से लेकर पैरों में जो तनाव उत्पन्न होगा, घुटनों को नीचे जमीन पर दबाना है। सांस लेते हुए पूरा पंजा शरीर की तरफ, एज इफ समवन इज पुलिंग योर हील आउटसाइड, मैक्सिमम पुल करें और मैक्सिमम पुश करें।